तो देखिए यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं फिजिक्स एनसीईआरटी 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पर हम लोग आज देखेंगे अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग गॉस थ्योरम देख चुके, हम लोग अच्छी निरच्छी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख चुके, ध्वनि वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो प्रकार से निकाली जाती है, इसके बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख चुके, और इसका जो चैप्टर का पूरा बेसिक था वो देख चुके, छोटे छोटे क्वेश्चन देख चुके। तो पूरी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो सबसे अहम काम होता है इस लाइव क्लास में और बच्चों को जो है ना, तो आप जल्दी से इस वीडियो को की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी आप शेयर करते हैं वहां पे आप शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप हैं ज़्यादातर आप ग्रुपों को शेयर करिए ताकि और भी लोगों का भला हो सके। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इसके बाद चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए सबसे पहले हमें इस हेडलाइन को पढ़ना होता है, इस क्वेश्चन को पढ़ना होता है, तभी हम लोग जाके चित्र इसका जो डायग्राम है वो क्लियर कर पाते हैं। तो देखिए कह रहा है अनंत लंबाई के, मतलब कोई लंबाई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी लंबाई का आवेशित सीधा तार ले सकते हैं, एकदम सीधा तार होना चाहिए और वो आवेशित तार होना चाहिए, उसके हमें निकट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन होता है गॉस की प्रमेय की सहायता से, किसकी सहायता से। देखिए मैं सोच रहा था मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन बता देता हूं आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 5 अंक का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में 101% आएगा, लिख कर रख लीजिए, इस बार आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए, मैं इसे इस प्रकार पढ़ा दूंगा कि आपकी एग्जाम तक आपको भूलेगा ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमें गॉस की प्रमेय की सहायता लेनी है, ये बात तो क्लियर हो गई क्वेश्चन से। इसके बाद हमें अनंत लंबाई का एक सीधा तार लेना है, तो मैं एक सीधा तार लेता हूं भाई, मैं एक ये ले लिया, सीधा सा तार है, देखिए इसकी में कोई लंबाई तो है नहीं, तो मैंने इसको ले लिया। ठीक, इसको हमें आवेशित करना है, इसलिए मैं इसकी डबलिंग कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा तार जो है हमारा वो अच्छा लगे, तो इसे मैं डबलिंग कर लिया। ठीक, अब इसे आवेशित करना है, तो इस पर हम लोग प्लस प्लस आवेश, ये जो प्लस दिखा रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि ये तार जो है पूरी तरह से आवेशित है, ये प्लस जो है आवेश दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, प्लस आवेश दिखा रहा है, इसका कोई खास रीजन नहीं है, तो यहां पे इसको मैंने आवेशित कर लिया। फिर भैया हमारी हेडलाइन क्या कह रही है, सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब कोई इसकी लिमिट तो है नहीं, तो इसका मैं एक कट पॉइंट मान लेता हूं कि यही इसका कट पॉइंट है, थोड़ा सा तार को मैं और बड़ा कर देता हूं भाई, चलो इसका कट पॉइंट ये मान लेता हूं। ठीक, और इसको ठीक है इतना कर देता हूँ, इसका इतना कट पॉइंट मैंने मान लिया। ये कट पॉइंट क्यों मान लिया, इसकी लंबाई कुछ दी नहीं गई है, बट मैं इसकी लंबाई कुछ मान लेता हूँ कि मान लीजिए एल लंबाई है, इसकी कितनी लंबाई है, एल लंबाई है, इसमें कुछ बीच बीचों बीच का पॉइंट होगा तो इसको मैं ओ मान लेता हूँ। अब देखिए मैं गॉस की प्रमेय की हमें सहायता लेनी है, तो जो गॉस की प्रमेय होती है वो होती है बंद पृष्ठ पर संभव, किस पृष्ठ पर संभव, बंद पृष्ठ पर संभव, तो सबसे पहले हमें इसको बंद करना होगा, तो चलिए हम इसको बंद कर लेते हैं। तो इसको मैंने देखिए बंद किया, ये बंद किया, ये बंद कर दिया मैंने इसको, तो भाई चलो इसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ मैं, इसमें ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि अच्छा लगने लगे। अब देखिए इसको मैंने बंद ही किया है, मैंने इसे बेलनाकार नहीं बनाया, बट इसका आकार ही बेलनाकार आ गया, कैसा आकार आ गया, इसका बेलनाकार आकार आ गया, तो अब तो मेरी प्रॉब्लम है ना ये बेलनाकार। अब इस तार का मैं कुछ नाम दे देता हूँ कि ये ए भी कोई आवेशित तार था, और मान लेता हूँ बिंदु आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है, पी है, ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और यहाँ से जो हमारा क्षेत्रफल है वह डी ए वेक्टर है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आपके आ गई। इसके बाद ये जो डायग्राम है आपका क्लियर हो गया, किससे क्लियर हुआ है, इस हेडलाइन से, इस क्वेश्चन से आपका जो डायग्राम है वो बनकर तैयार हो गया। अब बात आती है इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, तो देखिए थ्योरी आपको ऐसे लिखनी है, माना कोई एक ए बी तार है, माना कोई एक ए बी अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, जो बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या फिर आप लिख सकते हैं माना कोई एक आवेशित अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है, वैद्युत क्षेत्र तार ए बी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तथा हमारा क्षेत्रफल डी ए वेक्टर है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपने जैसे चित्र बना दिया, तो अब यहाँ पर आप थ्योरी लिख देंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप डेरिवेशन करेंगे, तो यहाँ पर आप थ्योरी जैसे लिखेंगे,
तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, माना कोई एक माना सिंपल सा आप लिखेंगे, माना कोई एक आवेशित सीधा और अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार ए बी है, क्या है, मैंने इसका नाम दे दिया ए बी, तो ए बी है जो जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तथा क्षेत्रफल डी ए वेक्टर है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, पी बिंदु पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बस इतना सा आपको थ्योरी में लिख देना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। तो मैंने बताया था जितने भी गॉस की प्रमेय के डेरिवेशन होंगे तो वो यहीं से स्टार्ट होंगे, कहां से स्टार्ट होंगे, ये स्टेप आपको करना ही करना होगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। अगर आप मेरी प्रत्येक वीडियो देख रहे हैं, ये एक फार्मूला होता है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब हम लोग मैंने बता चुका था ना कि जितने भी गॉस की प्रमेय के डेरिवेशन होंगे ये चार स्टेप तो आपको करने ही करने हैं। अब आपको क्या करना है, इस डॉट को जब भी कभी आप हटाते हैं तो वहां पे कॉस थीटा जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे अनंत लंबाई का सीधा तार है, पैरेलल लाइन है, इसलिए थीटा इक्वल टू हम यहां पे क्या रख देंगे, थीटा इक्वल टू हम रखेंगे जीरो, क्या रखेंगे, थीटा इक्वल टू जीरो। तो थीटा इक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन साइन, तो ये कास जीरो का मान क्या होगा, एक हो जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए, क्या हो जाएगा, ई डी ए। अब गॉस की प्रमेय मैंने आपको अच्छे से बताया था इसका समाकलन करना, अगर आप नहीं समाकलन कर पा रहे हैं तो सीधे से यहाँ पे आप डी दोनों तरफ से हटा, अब यहाँ पे किया जाता है समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो देखिए जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये डी हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फाई ई, और इस डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए। इतने स्टेप आपको गॉस की प्रमेय से रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन हो करना ही करना है, इतना स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान, तो हम लोग गॉस की प्रमेय का मान रख देंगे, तो भाई गॉस की प्रमेय का मान में पे रख लेता हूं, तो गॉस की प्रमेय होती है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। आपको मैंने अभी भी बताया पिछली वीडियो में कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को उसी प्रकार रखेंगे संभाल करके, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। फिर इसके बाद इस पर क्षेत्रफल क्या रखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल रखेंगे, काहे का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई मान लेते हैं कि एल लंबाई का तार था, ठीक है, तो हम रखेंगे क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे लंबाई हमारी एच होती है, यहाँ पे लंबाई एल है, तो यहाँ पे हम एल रखेंगे, तो ए का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई आर एल, तो हम यही यहाँ पे पुटअप कर देंगे ए के स्थान पे, देखिए बेलन का क्षेत्रफल हम रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब क्या होगा, अब देखिए हमें ई का मान निकालना था तो सारे टर्म्स इधर उठा लाइए, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ई इक्वल टू हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा वन अपान ये टू पाई, यहाँ आ जाएगा टू पाई, इसके बाद यहाँ आ जाएगा क्यू अपान में ये जो एल है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे क्यू अपान एल, और ये टू पाई है तो ये पूरा आ ही गया। अब अपान में क्या बचा, आर बचा, तो इस आर को मैं यहीं पे कर लेता हूँ, ये आर हमारा हो गया वन अपान कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पढ़े होंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो लेमडा इक्वल टू, मैंने कुछ आपको फार्मूला बताया था कि लेमडा इक्वल टू जो फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए लेमडा इक्वल टू एक फार्मूला होता है क्यू अपान में एल, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे क्यू अपान एल के स्थान पर लेमडा रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे लेमडा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा वन अपान टू पाई, ये लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा अपान आर, यही हमारा प्रूविंग आ जाएगी। इसी को कहते हैं अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये निकल कर आ गई। अगर आपको ये मान लीजिए 4π करना है तो यहाँ 2 का 2 का भाग और 2 का गुणा कर दीजिए, तो यही हो जाएगा e बराबर 2 का गुणा किया मैंने तो ये हो गया 1 अपान 2 का भाग दिया, तो ये 2 हो जाएगा 4π, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4π, इसके बाद ये लेमडा 2 लेमडा अपान में r, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग ये एप्सिलॉन नॉट जो था इसे छोड़ चुके थे यहीं पे, तो यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी, ये एप्सिलॉन नॉट गलती से छूट गया था, तो ये एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही रहेगा, तो 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान r मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक एक मैंने बारीकी से आपको सभी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश की है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।